देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। गाजियाबाद में मौसम बदलते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो गया है, वहीं डेंगू के मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद जिला अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए पुरजोर उपाय किए जा रहे हैं। डेंगू वार्ड में आने वाले मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जिले में आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के 600 से अधिक मामले पाए गए हैं। अकेले जिला अस्पताल में ही डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज एडमिट कराए जा चुके थे, जिनमें से अधिकतर का सफल इलाज संभव हो पाया है। सर, गाजियाबाद में डेंगू बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आंकड़ा 600 से ऊपर पहुंच गया है लगभग मरीजों का, क्या कहना है, किस तरीके की तैयारी एमएमजी अस्पताल में? देखिए, एमएमजी अस्पताल में 30 बेडेड डेंगू वार्ड बना हुआ है और उसमें अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज कर चुके हैं और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है और प्लेटलेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जो भी कुछ मरीज आता है तो उसको हम लोग 4-5 जांचें करा लेते हैं, उसका कॉमन ब्लड काउंट करा लेते हैं, टाइफाइड का करा लेते हैं, मलेरिया का करा लेते हैं, डेंगू का कराते हैं और कोविड का जांच करा लेते हैं। और जब ये सारी जांचें हो जाती हैं तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाता है कि उस मरीज को क्या है और जिस किसी को जो बीमारी होती है उसका इलाज कराया जाता है। और डेंगू के अभी तक हम लोग 102 मरीजों का इलाज करा चुके हैं। सर, जिस तरीके से डेंगू पैर पसार रहा है, लोग किस तरीके से बचें? आप डॉक्टर हैं और यहाँ सीनियर पद पर तैनात हैं, तो जो आम जनता उनको किस तरीके से बच सकते हैं, कोई मैसेज दे दें। डेंगू का मच्छर जो है दिन में काटता है और मच्छर जो है टाइगर मॉस्किटो कहलाता है, क्योंकि उसके सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं शरीर पे। अगर सफ़ेद धारियाँ मच्छर में आपको दिख रही हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर डेंगू का मच्छर जो होता है वो साफ पानी में होता है, आप ही के घर के अंदर वो पैदा होता है, क्योंकि ऊपर आपने कप प्लेट या कोई बर्तन ऐसा रखा हुआ होता है जिसमें पानी भरा होता है या टायर पड़े होते हैं पुराने, उसमें पानी से भर के उसमें ये से होता है, तो आप ही के घर से होता है और आप ही को काटता है और आप ही को डेंगू का मर्ज देता है। और जिस किसी के यहाँ ये डेंगू का मच्छर दिखे, टाइगर मॉस्किटो दिखे, तो उसका तुरंत जाके ये करना चाहिए कि एक मोहल्ले की टीम बना लेनी चाहिए और सभी के घरों पे जाके चेक करना चाहिए कि कहीं उनके आसपास तो ये डेंगू का मच्छर पैदा नहीं हो रहा है। और अगर डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है तो उसको पानी को खाली कर दें, और कूलर के पानी पे खास तौर से ये होता है। और सबसे ज़्यादा ये देखा गया है कि जो चिड़ियों को पानी पिलाते हैं, जो उसमें एक प्लेट रखते हैं, और या कुत्ते को पानी पिलाते हैं, उसमें ये सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको आपको देख के और उसी को खाली कराना है, और ये आम जनता की खुद की अपनी जिम्मेदारी है और हर आदमी को इस मौसम में अपना जो है एक कमेटी बना लेनी चाहिए और वो कमेटी को खुद चेक करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।